हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2018 में पूछे गए फिजिकल ज्योग्राफी जो था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था ये जून के मंथ में हुआ था, 4 जून से लेके 13 जून तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी को अलग किया है। इसके अलावा इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको भी अलग किया है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो इसमें आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है 95% क्वेश्चंस वो फिजिकल ज्योग्राफी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, द मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। जो मूसी और भीमा जो एक सहायक नदियाँ हैं वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर जो है वो जिसके लेफ्ट में भीमा नदी, दिंदी नदी, पेदाबागु, हालिया, मूसी, पलेरू और मुनेरू है, जिसके लेफ्ट में है। कृष्णा रिवर के लेफ्ट में ये सारी नदी हैं। और राइट में कौन कौन सी नदी है? वीना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माला प्रवाह और तुंगभद्रा। ये जो नदियाँ हैं ये राइट साइड में, तो एग्ज़ाम में आ सकता है किसी भी नदी के बारे में कि भीमा किस साइड में है, लेफ्ट या राइट में है। इसके अलावा ये सब जो नदी है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो भीमा और मूसी जो है वो कृष्णा रिवर की सहायक नदियाँ हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड इन द बादाम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में, जो बादाम पहाड़ खाना है, खान है, वहाँ पे क्या खनन किया जाता है? तो वहाँ पे हेमाटाइट वहाँ पे निकाला जाता है। हेमाटाइट एक ओर है, एक अयस्क है जिससे हम लोग आयरन बनाते हैं, लोहा बनाते हैं। तो ये कहाँ पे खनन किया जाता है? तो ये बादाम पहाड़ खान में इसका खनन होता है जो उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरी अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्रीज इज फाउंड इन। तो सुंदरी जो एक पेड़ की प्रजाति है वो कहाँ पाया जाता है? तो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो जो हमारा कोस्टल एरिया है वहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे सुंदरी प्रजाति पाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है सुंदरबन का जो डेल्टा है, सुंदरबन का जो डेल्टा है वो सुंदरी प्रजाति जो पाया जाता है वहाँ पे, जो पेड़ उसके नाम पे ये सुंदरबन का डेल्टा पड़ा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैनग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बगलीहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो बगलीहार बांध जो है वो चेनाब रिवर, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ पे बगलीहार डैम बनाया गया। और ये जो बनाया गया है इसका मेन पर्पस जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए इसको बनाया गया है। बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया गया है, उसके लिए बगलीहार डैम बनाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चेनाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डैश इन हिमाचल प्रदेश इज ए फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। हिमाचल प्रदेश में डैश एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। तो हिमाचल प्रदेश में जो मनाली जगह है, मनाली से 51 किलोमीटर दूर एक रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा है, जहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे स्केटिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ का ज़्यादा बर्फ वहीं पे पाया जाता है जो टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो ये कहाँ पे है रोहतांग पास? ये हिमाचल प्रदेश में है, मनाली से 51 किलोमीटर दूर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वॉज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है भारत सरकार द्वारा जो स्थापित किया गया है वो सबसे प्रथम कौन सा है? तो सबसे प्रथम जो है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो नीलगिरी है जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में ये है जो फैला हुआ है, और ये 1986 में एस्टेब्लिश्ड किया था, और ये हमारा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द सन। कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? सबसे नजदीक जो तारा है वो कौन सा तारा है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रोक्सिमा सेंचुरी, देनेब, सिरियस और बेटलग्यूज। तो जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है अल्फा सेंचुरी सिस्टम में एक स्टार है जो सबसे नजदीक है सन का, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो। इस फिगर में जो अल्फा सेंचुरी सिस्टम है उसके अंतर्गत जो स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और इसका डिस्कवरी कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था, और ये सबसे नज़दीक है। और ये कितना दूर पे है? ये 4.2 लाइट ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 4.2 लाइट ईयर्स दूरी पे ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सन के नज़दीक है, सबसे नज़दीक स्टार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कहाँ पे है? तो वो है आसाम में जो मजुली, जो आपने सुना होगा, लास्ट 3-4 साल में इसका ही नाम आया है।
तो जो मौजली है वो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड में, जो असम में है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर में स्थित है मजली, और ये कहाँ पे है, ये असम में है। लेकिन इससे पहले जो था, जो सेकेंड नंबर पे अभी है और पहले ये फर्स्ट नंबर पे था, तो ये था मरजाओ आइलैंड, और ये अमेजन रिवर में था, और ये कहाँ पे था, ये ब्राज़ील में था। तो ये जो सेकेंड नंबर पे आ गया और फर्स्ट नंबर पे मजली आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सुनामी इज कॉज्ड बाय, सुनामी के क्या कारण है। तो सुनामी के बहुत सारे कारण है, तो उसमें एक कारण है वोल्केनिक एरप्शंस जो होता है, या फिर सबमरीन लैंडस्लाइड जो होता है, पानी के अंदर जो लैंडस्लाइड होता है वो, या फिर कोस्टल रॉक फॉल्स होता है, यानी कि जो भूकंप जो होता है उसके कारण सुनामी पैदा होता है। तो यहाँ से चार ऑप्शन दिख रहा है, इस चार ऑप्शन में लोअर एटमॉस्फेयर प्रेशर ये नहीं होगा, रॉक्स अंडर सडनली ब्रेकिंग ये नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्राइविंग वाटर ऑन शोर ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे जो अधिक जनसंख्या वाला राज्य था वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच सिटी इन इंडिया इज द लीस्ट पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है वो है कपूरथला। नंबर वन पे कपूरथला है, और नंबर टू पे बांसवाड़ा, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये चारों ऑप्शन है, कपूरथला नंबर वन पे है, नंबर टू पे बांसवाड़ा है, और नंबर थ्री पे नागदा है, और नंबर फोर पे दांतिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कपूरथला। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है, जो एशिया की है, वो है यांगजे रिवर, जो चाइना में है, और ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है, और इसके अलावा जो वर्ल्ड का ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर भी है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से जो रिवर, जो नदी पास करती है, तो वो नदी कौन सी है। तो इन चारों में वो नदी है डेन्यूब। डेन्यूब नदी जो है ये 10 कंट्री जो है 10 कंट्रीज से होते हुए पास करती है। तो 10 कंट्री से पास करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। और ये 10 कंट्री जो है ये यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, और नंबर वन पे जो नदी है यूरोप का वो है वोल्गा। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह है वोल्गा, और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है डेन्यूब, और डेन्यूब से जो कंट्री है, जो कंट्री है वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गेरिया, क्रोशिया, रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है वो, तो शिफ्टिंग खेती को उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड्स लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, कौन सा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है, तो वो है अंडमान और निकोबार। लक्षद्वीप, द्वीप अंदमान, ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है, जबकि अंडमान और निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द जियोग्राफिक नेम गिवन टू द डीप एंड नैरो वैली कंसिस्टिंग ऑफ स्टीप साइड्स क्रिएटेड बाय वेदरिंग एंड इरोजन बाय रिवर्स, विंड, रेन एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो ये पूछा है जो डीप एंड नैरो वैली जो बनता है, जो संकरी घाटी बनती है, जो गहरी भी होती है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, वो नदियों के द्वारा, हवा, बारिश के द्वारा, जो कटाव होता है उसके कारण वो बनता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे घाटी बोलते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जैसा कि आप इस ऑप्शन में भी देख सकते हैं, तो ये जो घाटी है ये स्टार्टिंग में क्या था कि पूरा यहाँ तक पत्थर से था, तो यहाँ से जो वाटर जाने लगा, धीरे धीरे पानी जाने लगा, इसके बाद ये नदी के कारण यहाँ पे कटाव होने लगा, कुछ पत्थर हटने लगा, थोड़ा बहुत पत्थर हटा, फिर उसके बाद आंधी तूफान आया, बारिश आया, धीरे धीरे करते करते ये जो है ये गहरा होते गया, ये जो गहरी खाई बनते गई, घाटी बनते गई, गहरी खाई, और ये स्टेप डाउन होता है, यानी कि सीढ़ी के स्टाइल में ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कंस्टेलेशन। तो ओरियन कंस्टेलेशन में जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो है रीगल, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो बिजिएस्ट व्यस्त समुद्री बंदरगाह है वो कौन सा है, तो वो है पोर्ट ऑफ कराची। पोर्ट ऑफ कराची जो है व्यस्त समुद्री बंदरगाह है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अ अर्थ इक्वेटर। तो ये जो डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन किसका है, ये डिफिनेशन है लैटिट्यूड का। जो लैटिट्यूड होता है वो नॉर्थ और साउथ पोल के में जो एंगुलर डिस्टेंस हम लोग जो मेजर करते हैं वो लैटिट्यूड के थ्रू करते हैं। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है, टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ ए अर्थ इक्वेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिट्यूड। और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो ईस्ट और वेस्ट में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी प्रोविंसेस इज द कंट्री ऑफ नेपाल डिवाइडेड इनटू। तो कंट्री ऑफ नेपाल डिवाइडेड है हमारा 7 प्रोविंसेस में। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब पे जो है क्वेश्चंस, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आया भी है जो सीजीएल 2018 में है। तो आने वाले सीजीएल 2019 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो हमारे पड़ोसी देश से रिलेटेड होगा। तो आप ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं जो हमारा पड़ोसी देश से है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें उस पर बेस्ड, ताकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे बन जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रेफर टू। तो जो ब्लड मून है वो रेफर किया जाता है किसके लिए, तो वो है लूनर एक्लिप्स, जो चंद्र ग्रहण लगता है उसके लिए ब्लड मून रेफर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स दैट डील्स विद देयर कंपोजिशन, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, देयर अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर ऑरिजिन इन रिलेशन टू फिजियोकेमिकल कंडीशंस इज कॉल्ड। तो जो रॉक्स का जो हम स्टडी करते हैं उसके कंपोजिशन, टेक्सचर और स्ट्रक्चर के लिए, मतलब संरचना, बनावट और उससे रिलेटेड जो हम उसका अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पेट्रोलॉजी, उसे बोलते हैं पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, द समर सोलस्टाइज 2019 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल अकर ऑन। तो ये कब होता है, ये होता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, फर्टाइल रिवरेन एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रोड्यूसिंग। तो जो नदी की जो जलोढ़ मिट्टी है वो किसके लिए, उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो ये जो होता है, जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसमें पोटाश की मात्रा, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम जो प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण ये फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। और इसके कारण इसमें शुगर कैन, पैडी जिसे हम लोग चावल बोलते हैं, वो वीट, ये सब उपजाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइस यानी कि पैडी जो है वो उपजाया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, द डिफू पास इज द ट्राइजेक्शन बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड चाइना इज ऑन दिस बॉर्डर लाइन। तो किस बॉर्डर लाइन पे डिफू पास है जहाँ पे इंडिया, म्यांमार और चाइना का के बीच में ट्राइजेक्शन बनता है। तो वो लाइन कौन सा है, तो वो लाइन है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो होता है वहाँ पे ट्राइजेक्शन है इंडिया, म्यांमार और चाइना का, और ये एक डिफू पास है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट एल्टीट्यूड लेक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो हाइएस्ट एल्टीट्यूड लेक है, जो सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो झील है, वो झील कौन सा है, तो वो है परिस्तान लेक। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये परिस्तान लेक गिलगित बल्तिस्तान में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज डैश टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो जो डायमीटर है सन का वो अर्थ के डायमीटर से 109 गुना ज़्यादा है, 109 टाइम्स ज़्यादा डायमीटर है अर्थ के डायमीटर से सन का। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, द फ्रेंडशिप हाईवे इज ए रोड दैट कनेक्ट्स चाइना टू। तो जो फ्रेंडशिप हाईवे है वो चाइना को नेपाल से जोड़ता है थ्रू तिब्बत, ल्हासा, वहाँ से होते हुए चाइना में मिलता है। तो ये झांगमू और कोडारी के बीच का लाइन है, तो यह है फ्रेंडशिप हाईवे जिसे बोलते हैं। तो यह है आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30, नेम द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया बिल्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, तो वह है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता पोर्ट जो है वो सबसे पुराना है जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का हाईएस्ट माउंटेन पीक जिसे हम लोग एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं, वो है कालसुबाई शिखर जिसे हम लोग एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन।
तो सबसे लंबी मुख्य भूमि तट जो है कोस्ट लाइन का वो कौन सा है? तो वो है गुजरात, जो जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है कोस्ट लाइन का। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जो सेकेंड आता है, वो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट, तो वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। द रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट बे ऑफ बंगाल में ये समाप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम लेक मानसरोवर? तो लेक मानसरोवर से जो ऑरिजिनेट होती है, तो वो है इंडस रिवर, जिसे हम लोग सिंधु नदी भी बोलते हैं। और ये नदी जो है लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान का, और यही नदी जो है नेशनल रिवर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो नेशनल रिवर है वो है इंडस नदी। ये भी एग्जाम में आ सकता है, आने वाले एग्जाम में। नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन श्रीलंका? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि नेपाल का जो प्रोविंसेस था वो पूछा जा रहा था, जिसमें 7 था। अब ये श्रीलंका का पूछा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है, जिसमें टोटल 9 प्रोविंसेस है। तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है बांग्लादेश का या फिर पाकिस्तान का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया? तो अभी हम लोगों ने देखा था कैनियन का डिफिनेशन क्या होता है। तो जो हमारा ग्रैंड कैनियन है इंडिया का, वो कौन है? तो वो है गांडीकोटा, जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहां पे है। तो ये है ऑप्शन नंबर 4, ग्रेट कैनियन ऑफ गांडीकोटा, जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, उसे हम लोग ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। भारत का जो ग्रैंड कैनियन है वो है गांडीकोटा। और ये किस रिवर पे है? ये रिवर है पेन्नार, जो निकलती है, जो जो काटती हुई निकलती है, वो है एरामला हिल्स। तो जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये पेनार नदी है जो एरामला हिल्स को काटते हुए निकलती है। तो यही ग्रैंड ग्रेट कैनियन ऑफ गांडीकोटा है। और ये कहाँ पे है? ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, जो आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो कौन सा है? तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किबितू। किबितू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और जो किबितू है वहीं से लोहित रिवर जो एंटर करती है इंडिया में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लोहित रिवर जो एंटर करती है इंडिया में वो किबितू के थ्रू करती है, और किबितू जो है वो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है? वह है गोरमोटी, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। द सह्याद्री माउंटेन्स रन फ्रॉम डैश टू कन्याकुमारी द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? तो जो सह्याद्री माउंटेन है वो कहाँ से कहाँ रन करती है? तो ये जो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात का जो एरिया है वहाँ से होते हुए, यानी कि गुजरात से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाती है। तो ये सह्याद्री माउंटेन जो है गुजरात से कन्याकुमारी तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये राजस्थान में नहीं रहती है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। ये गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका को टच करते हुए, तमिलनाडु को टच करते हुए, केरला, कन्याकुमारी तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा है? वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज कंस्टिलेशन? तो जो सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त नक्षत्र जो है, रिकॉग्नाइज है, वो नक्षत्र कौन सा है? वो है हाइड्रा नक्षत्र। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन श्रीलंका? तो फिर से श्रीलंका के बारे में पूछा जा रहा है, हाइएस्ट पीक कौन सा है? तो वो है हाइएस्ट पीक कौन सा है? तो वो है पिदुरु तालागाला, जिसे हम लोग माउंट पेद्रो भी बोलते हैं। दोनों ये नाम है, एग्जाम में आ सकता है। तो या तो आएगा पिदुरु तालागाला या फिर माउंट पेद्रो, ये दोनों जो है एक ही नाम है, और ये हाईएस्ट पीक है श्रीलंका का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, अभी हम लोगों ने देखा था ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो अरुणाचल प्रदेश में है किबदू, और ये पूछा जा रहा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये कौन सा है? वो है गुरार मोटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और ये कहाँ पे है? ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओरियन कंस्टेलेशन?
ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम जो है इसका ओरियन तारामंडल का वो है हंटर। हंटर जो है दूसरा नाम है ओरियन तारामंडल का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 44। एज ऑफ 2018 इंडिया इज द लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर। तो दुग्ध उत्पादक देश में, मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में जो इंडिया का जो हिस्सेदारी है, जो परसेंटेज है, वो कितना परसेंटेज है? वो है 19%। तो टोटल ग्लोबल में, जो टोटल वर्ल्ड में, वर्ल्ड से जो टोटल प्रोड्यूसिंग मिल्क है जो इंडिया में होता है वो है 19%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम देखेंगे जो सीजीएल 2018 में पूछा गया है। इसके अलावा हमारा हिस्ट्री के जो तीनों पार्ट हैं, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो साइंस का पार्ट है, इकोनॉमिक्स पॉलिटी, ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट, वहाँ पे दिया हुआ है लिंक उसका, वहाँ से जाके आप इसको देख भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का।